डोंट शूट, हमें वो जिंदा चाहिए। वो भाग रहा है, उसे पकड़ लो। जरूरत पड़े तो घुटनों पे गोली चलाना, समझ गए? चाहे कुछ भी हो जाए, वो मुझे जिंदा चाहिए। ए, क्या भागते हैं? Too fast. कोई दूसरा रास्ता नहीं है सर। बॉयस, टेक पोजीशन। शोरूम किस चीज का है? कार का शोरूम है सर। पदम, फोन उठाओ। हेलो, वो वहां पर है। सर 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 सर, किसकी बात कर रहे हैं? अरे वही कृष्णा, वहां है। यहीं पर है सर। Thank you.
सब सफेद वस्त्र पहनकर मौन धारण किए हैं। आर्या की मौत का आप लोग शोक प्रकट कर रहे हैं यहाँ। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा अजय बाबू कहाँ गया? बाबुआ, अजय बाबुआ, आई वांट टू सी यू अजय। अजय, हाँ देखो चाचू। क्या देखो वहाँ? अजय बाबू, अजय बाबू, आपके 100 साल इतने जल्दी भर गए क्या? आप कितने महान थे, किसी लड़की को भी नहीं छोड़ते थे आप। हमको घुट घुट को मरने के लिए अकेले छोड़ के चले गए। इतने लंबे चौड़े थे तुम, भगवान ने तुम्हें थोड़ा सा भी दिमाग नहीं दिया। साहब, साहब, आई एम वेरी सॉरी। तूने जो प्लान बताया वो इतना बेकार था कि उसकी वजह से मेरा बेटा मारा गया। नहीं, नहीं, सर। और अब तू नाटक कर रहा है मेरे सामने। सर, सर, वो आइडिया मेरा नहीं, इसका आइडिया था इसका। अरे अरे, ये तो सरासर नाइंसाफी है सर। अगर छोड़ दिया तो कल ये कहेगा कि मैं आपके घर में चोरी करने आया था। इसने वो प्लान भी बनाया था सर। इसे उठाकर बाहर फेंक दो। रुको रुको, हटो, चलो हटो, सब लोग हटो। आओ चाचू, आओ जल्दी आओ चाचू। तुम जाओ यहाँ से, मैं संभाल लूंगा। जाओ, सब ठीक होने के बाद मैं बुला लूंगा। हे, मेरा खाना खा के, मेरी दारू पी के, मुझ पे राशन पानी लेके चढ़ रहा तू? ऑल द बेस्ट चाचू, ऑल द बेस्ट। सी योर एंड। तुझे छोड़ूंगा नहीं मैं, मैं जागुआर हूँ। ये क्या सर, मास्क मिल गया लेकिन वो नहीं मिला, यही सोच रहे हैं ना आप? मास्क मिला नहीं, उसे ने फेंक दिया। मतलब लगता है अब उसे इस मास्क की जरूरत नहीं है। फेसबुक, ट्विटर जैसी सभी सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर आपकी चर्चा चल रही है सर, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? पब्लिक और अपोजिशन पार्टियां भी आपको सपोर्ट कर रही हैं। ये सब कुछ मैं कोई लीडर बनने के लिए नहीं कर रहा हूँ। सरकार और विदेश से जो पैसा और सब्सिडी आ रहा है उसका दुरुपयोग ना हो, इसके लिए हम कर रहे हैं। आम आदमी को जो बेसिक चिकित्सा मिलनी चाहिए उसी को ये लोग कमर्शियली बेच रहे हैं। उस सिस्टम को बंद करना होगा। जो लोग हमारे धरने का समर्थन कर रहे हैं उनको धन्यवाद। मिस्टर प्रसाद, क्या हो रहा है वहाँ पे? सिर्फ एक स्टूडेंट तुम्हारे कॉलेज को, तुम्हारे अस्पताल को बदनाम कर रहा है वहाँ पे? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं। तुम्हारे चैनल को छोड़ के बाकी सारे चैनल उसी के सपोर्ट कर रहे हैं, पता है तुम्हें? पब्लिक और अपोजिशन पार्टी वाले उसी का गुणगान कर रहे हैं आज। प्लीज सर, मेरी बात तो सुनिए। सुनो, पहले उसकी जुबान बंद करवाओ, अन्यथा मैं स्वयं तुम्हारे कॉलेज और अस्पताल को बंद करवा दूंगा। सर, मुझे सिर्फ 3 दिन का समय दीजिए, सिर्फ 3 दिन का, मैं सब संभालूंगा। ओके, ठीक है, थैंक यू सर। सुनो, बहुत हो गया, बहुत हो गया। अब तक हम लोगों ने सब्र से काम लिया, उसकी वजह से मेरा बेटा मारा गया, हॉस्पिटल में सीज हो गया, सब कुछ हमारे हाथ से निकल रहा है। नहीं, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा उसे। उस आर्या की लाश भी नहीं मिलनी चाहिए, खत्म कर डालो उसको। मुझे बस एक मौका दीजिए सर, प्लीज मुझे बस एक मौका दे दीजिए, मैं कॉलेज खुलवा सकता हूँ। पागल है क्या तू? हमसे नहीं हो सका तो तू क्या कर लेगा? सर, दुनिया में सारे लोग सेल्फिश हैं, मैं मानता हूँ, वो नहीं मानता, यही फर्क है। सर, हमें एक सीढ़ी चढ़ने के लिए 10 आदमियों को मोहरा बनाकर 100 आदमियों को रौंदने के लिए तैयार रहना चाहिए। सर, जरूरत तो हमारी है ना, तो हाथ जोड़ लेते हैं। क्या चाहिए तुझे? आप बिना सोचे 2 करोड़ रुपए दे दीजिए, आर्या को मैं मनाता हूँ। तुम ऑफिस में आके ले लो। थैंक यू सर। ये क्या, आप उस पर भरोसा कर रहे हो? इस लड़के में मैं अपने आप को देख रहा हूँ। सुन सुन यार, तेरी प्रॉब्लम तो अजय के साथ थी ना, वो तो अब इस दुनिया में नहीं है, तो अब झगड़ा किस बात का? छोड़ देना, सब लोग मिलके खुशी से रहेंगे। लोगों की मुफ्त में सेवा करना चाहता है ना, तो ये ले, इसमें 2 करोड़ रुपए हैं, तो खुद का अस्पताल खोल सकता है, फ्री ट्रीटमेंट कर सकता है। अगर ये काफी नहीं है तो 2 करोड़ और दे सकता हूँ। तुमने कितने रुपए लिए इस घिनौने काम को करने के लिए? मैंने कितना लिया है वो बात छोड़ यार, तू ये देख कि तेरी पॉपुलैरिटी कितनी है, उसका सही इस्तेमाल कर। देखो, मैंने जिंदगी में आज तक किसी को नहीं मारा है, मुझे गुस्सा मत दिला, इसी वक्त चला जा यहां से। वैसे तेरे लिए एक और बम्पर ऑफर है,
तेरी बहन से मैं प्यार करता हूँ ये तुझे पसंद नहीं है ये मैं जानता हूँ। अगर तू हाँ बोलेगा तो इन 2 करोड़ के साथ साथ तेरी बहन से प्यार करना भी छोड़ दूंगा। मैंने सोचा था कम से कम तू मेरी बहन से सच्चा प्यार करता है। दिखा देना अपनी गंदी औकात। छोड़ बे। हे कुछ नहीं प्रिया, मैं और तुम्हारा भाई बस कैजुअली बात कर रहे थे। तुम एक सीढ़ी चढ़ने के लिए 10 आदमियों को मोहरा बनाकर 100 आदमियों को रोंदने के लिए तैयार रहते हो ना? जिन 100 आदमियों को तुम रोंदोगे उसमें मुझे क्यों नहीं शामिल किया? प्रिया? लेकिन अब मैं पूरी तरह समझ गई हूँ, जरूरत पड़ने पर तुम मुझे भी बेच डालोगे, क्योंकि तुम्हारे अंदर कोई फीलिंग्स ही नहीं है, लव अफेक्शन जैसी तो कोई चीज ही नहीं। उसका एक ही रीजन है, क्योंकि तुम अनाथ हो।